आज हम यहाँ पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी को एज देयर जेनरिक इलेक्टिव चूज़ किए हैं, उनको इस कोर्स में क्या पढ़ना होगा। तो उनका जो ये कोर्स होगा वो पूरे एक साल तक चलेगा और वह पूरा एक साल 6-6 महीने के इंटरवल्स में डिवाइडेड होगा। दैट इज़ साल के पहले 6 महीने उनको सोशियोलॉजी पेपर 1 पढ़ना पड़ेगा और जो नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ दैट ईयर दे हैव टू रीड सोशियोलॉजी पेपर 2। तो जो उनका सोशियोलॉजी पेपर 1 होगा उसका टाइटल है द सोशियोलॉजी ऑफ सोशल मूवमेंट्स। तो इस टाइटल से भी हमें पता चलता है कि ये जो पूरा पेपर है उनका वो पूरा सोशल मूवमेंट्स के इर्द गिर्द घूमेगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक बेसिक लेआउट अगर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए तो कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो होगा, फर्स्ट टॉपिक कह सकते हैं, वो होगा कंटेक्चुअलाइजिंग सोशल मूवमेंट्स। मतलब सोशल मूवमेंट होते क्या, उसका पूरा थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे आपको टीचर्स ही डिक्टेट करके नोट्स दे देंगे या फिर आपको हार्ड कॉपी में नोट्स दे दिया जाएगा। हमारे टाइम हमें मिल गया था, तो ये कह सकते हैं कि आपके टाइम में मिल सकता है। यहाँ पे आप डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़िएगा, टेक्नोलॉजी मूवमेंट के बारे में पढ़िएगा। जो सेकंड आपका सब टॉपिक, सेकंड टॉपिक आता है वो है द थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स। तो सोशल मूवमेंट्स के बहुत सारे थ्योरीज होते हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस द कलेक्टिव बिहेवियर, रिलेटिव डेप्रिवेशन, इम्पैक्ट थ्योरी। तो ये सब सारे नोट्स आपको टीचर्स दे देंगे उम्मीद की जाए तो। और अगर आपको नोट्स नहीं मिलते हैं तो आप इग्नू के कंटेंट्स को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। और अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर गूगल तो है ही, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। फिर आता है आपका थर्ड टॉपिक, दैट इज़ कॉन्टेम्प्रेरी सोशल मूवमेंट्स। इसमें आपको पढ़ना है LGBTQ सोशल मूवमेंट, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स एंड इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, दैट वॉज द जन लोकपाल बिल। तो ये सब के भी आपके जो नोट्स होंगे आपको गूगल पे वाइडली अवेलेबल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि टीचर्स आपको नोट दे दे। फिर जो इसका सेकंड मेन टॉपिक आता है दैट इज़ द झारखंड मूवमेंट्स। झारखंड में कितने सारे सोशल मूवमेंट्स हुए थे। तो झारखंड में मेनली 2 टाइप के मूवमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है लैंड राइट मूवमेंट्स और दूसरा है द वुमेंस राइट मूवमेंट। तो यहाँ पर भी आपको वाइडली सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा। यहाँ पर शायद इग्नू के मटेरियल्स उतने काम नहीं आएंगे। आप होप करते हैं कि आपके टीचर्स आपको यहाँ पे नोट्स दे दे। उसके बाद आता है द मूवमेंट्स इन झारखंड, जिसमें हमें 2 चीज़ पढ़ना है, दैट वॉज संथाल मूवमेंट एंड मुंडा मूवमेंट। ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से गूगल पे आपको सबका मटेरियल मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे मटेरियल का स्कार्सिटी महसूस ही नहीं होगा। और जो कॉन्टेम्प्रेरी मूवमेंट्स इशूज इन झारखंड है उसमें आ जाएंगे द रिलीजियस मूवमेंट्स एंड रीजनल मूवमेंट्स। तो इसमें तो कुछ आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये जो जितना भी टॉपिक्स आपको इस पूरे पेपर में मिलेगा वो काफ़ी अच्छे से इंटरनेट पे अवेलेबल है। इंटरनेट ना भी यूज़ करें तो हमारे टीचर्स काफ़ी अच्छा नोट्स दे देते हैं, तो उसी से आप एग्ज़ाम्स को काफ़ी अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। आपका जो पूरा 100 मार्क्स का पेपर होगा उसमें से 30 मार्क्स आपका मिड सेमेस्टर ही हो जाएगा। 30 मार्क्स में भी वहाँ पे है आपका कि 5 मार्क्स आपको अटेंडेंस के लिए मिलेंगे और रिमेनिंग मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर योर असाइनमेंट्स एंड ऑल। और जो आपका लास्ट एंड सेमेस्टर होगा वो पूरे 70 मार्क्स का होगा। तो पूरा रिटन एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होंगे आपको, तो अपना टॉपिक काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटरनेट और टीचर्स के नोट्स का अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के आप खुद के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अब हम आगे ये देखने की कोशिश करेंगे कि सोशियोलॉजी पेपर 2, दैट इज़ जो आपको साल के नेक्स्ट 6 मंथ्स में पढ़ना है, उसमें आपको क्या पढ़ना होगा। तो जो आपका पेपर का टाइटल होगा वो होगा द सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। तो जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो आपका पेपर 1 था उसका नाम था सोशियोलॉजी ऑफ सोशल मूवमेंट्स, इसलिए वो आपका पेपर पूरा सोशल मूवमेंट्स के इर्द गिर्द घूम रहा था। और आपके जो पेपर 2 है उसका नाम होगा सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, तो ये पूरा पेपर है वो डेवलपमेंट के इर्द गिर्द घूमेगा कि डेवलपमेंट के क्या मायने और मतलब हो सकते हैं। शायद जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो आपके लिए डेवलपमेंट ना हो, और शायद जो आपके लिए डेवलपमेंट है वो मेरे लिए ना हो। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ज़मीन है जिस पे घर है, गवर्नमेंट आती है और घर तोड़ के वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गवर्नमेंट ऑफिस बनाती है, तो शायद वो हमारे लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस हमारे घर के नज़दीक हो गई है, तो हमें शायद गवर्नमेंट काम कराने में काफ़ी आसानी होगी, सरकारी काम कराने में। लेकिन जिसका घर तोड़ के वो सरकार ने वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस बनाया, उसके लिए शायद ये डेवलपमेंट ना हो। तो इस पूरे पेपर में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट के क्या क्या डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो पूरा पेपर है वो 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड होगा। तो जो पहला टॉपिक होगा आपका वो होगा अनपैकिंग डेवलपमेंट। इसमें आप पढ़िएगा अबाउट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो दूसरा टॉपिक है वो है थ्योराइजिंग डेवलपमेंट।
इसमें आप पढ़िएगा अबाउट कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिर जो तीसरा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट रिजीम्स इन इंडिया, दैट इज़ इंडिया में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज ली गई थी डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। द फोर्थ टॉपिक दैट इज़ इशूज़ इन डेवलपमेंट प्रैक्टिस, इसके जो सब टॉपिक्स है वो होंगे नेग्लेक्ट ऑफ चाइल्ड ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो ये जो पूरा पेपर है, जब हमने ये पूरा पेपर पढ़ा था तो हमारे टीचर ने एक कंप्लीट हार्ड कॉपी हैंडआउट प्रोवाइड कराया था, जैसे बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स के बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स थे, जिसका थॉरो रीडिंग करके हमने काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे अपने पेपर में। तो लेट जस्ट होप कि जब आप ये पेपर पढ़े तो आपके टीचर्स भी एक अच्छा नोट्स आपको अवेलेबल कराए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप इग्नू के मटेरियल्स को रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है पूरे पेपर को। जब इग्नू में जाइएगा तो जब कोर्स सेलेक्ट करिएगा तो सोशियोलॉजी पेपर में जाइएगा, ठीक है। और ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं आप इसमें इंटरनेट का वाइड यूज़ करके वहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जनरेशन है वो काफ़ी टेक सेवी जनरेशन है, तो हम जितना ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करें उतना ज़्यादा हमें अच्छे नोट्स मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो ये था आपका सोशियोलॉजी पेपर 1 और सोशियोलॉजी पेपर 2 का पूरा सिलेबस एज अ जनरिक इलेक्टिव जब आप इसको चूज़ करते हैं। तो लेट जस्ट होप कि आप जब भी ये पेपर ले आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन हो और आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे जाए। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड पेशेंट लिसनिंग।